स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह और इस खास बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आज मोदी सरकार का आखिरी बजट पेश होने जा रहा है। आज नए संसद में पहला अंतरिम बजट पेश होगा। वित्त मंत्रालय पहुंची है, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी पहुंचे और निर्मला सीतारमण भी वित्त मंत्रालय पहुंच गई है। निर्मला सीतारमण आज केंद्रीय अंतरिम बजट पेश करेंगी। नई संसद में पहला अंतरिम बजट आज पेश होने जा रहा है और नए संसद में पहला अंतरिम बजट आज पेश होगा। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी वित्त मंत्रालय पहुंच गए, इसके साथ ही निर्मला सीतारमण भी पहुंच चुकी हैं वित्त मंत्रालय और बस कुछ ही देर बाद अंतरिम बजट पेश किया जाएगा। तो आज मोदी सरकार का यह आखिरी बजट होगा। लोकसभा चुनाव है और उससे पहले यह अंतरिम बजट पेश होने जा रहा है। बजट से लोगों को काफी उम्मीदें हैं। नई संसद में आज ये पहली बार होगा जब अंतरिम बजट पेश होने जा रहा है और वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी भी पहुंच चुके हैं, इसके साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी पहुंच चुकी हैं और पूरे देश भर की जनता आज इंतजार कर रही है कि इस बजट से क्या कुछ उन्हें मिलने वाला है। कई ऐसे ऐलान हैं जो संभव हैं, कई वर्ग जिन्हें उम्मीदें हैं। रेलवे को 25% अधिक आवंटन दिया जा सकता है, इसके साथ ही व्यापारी वर्ग को भी खास उम्मीदें हैं। महिलाओं के लिए बजट में क्या खास होगा, इसके लिए बस थोड़ी ही देर का इंतजार करना होगा। नौकरी पेशा वालों के लिए इनकम टैक्स में छूट संभव है, इसके साथ ही महिलाओं व्यापारियों के साथ ही देखिए केंद्र सरकार का ये जो बजट आज पेश होने जा रहा है, कुछ ही देर का इंतजार बचा है। क्या कुछ इसमें उम्मीद है, क्योंकि कई वर्ग हैं जो आस लगाकर बैठे हैं इस बजट से। तो क्या कुछ उम्मीदें हैं आज पेश होने वाले अंतरिम बजट से, ये जानने के लिए सीधे आपको लिए चलते मेरे सहयोगी जया के पास। बहुत शुक्रिया ऋतु। तो देखिए बजट आज पेश किया जाएगा, हालांकि ध्यान रखिए ये पूर्ण बजट नहीं, ये अंतरिम बजट है। बिल्कुल बिल्कुल जया, इसके बारे में भी जानेंगे। तो देखिए अंतरिम बजट आज पेश होने जा रहा है और ये मोदी सरकार का अंतिम बजट होगा। बता दें कि अंतरिम बजट इसलिए क्योंकि लोकसभा का चुनाव है और ऐसे में ये पूर्ण बजट ना होकर अंतरिम बजट आज पेश होने जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी पहुंच चुकी हैं वित्त मंत्रालय, इसके साथ ही वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी भी वित्त मंत्रालय पहुंचे हैं। नई संसद में आज ये पहली बार होगा जब अंतरिम बजट पेश होने जा रहा है। वित्त मंत्रालय में देखिए हलचल तेज है और क्या कुछ इसको उम्मीदें हैं, कौन से वो वर्ग हैं और क्या कुछ इस बजट में आज सौगात मिल सकती है महिलाओं व्यापारियों, किसे किसे सौगात मिल सकती, क्या कुछ उम्मीदें इस बजट से लगाए, सीधे ले चलते हैं मेरी सहयोगी जया के पास चलेंगे। लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि वित्त मंत्रालय में क्या कुछ हलचले देखने को मिल रही हैं। तो वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी भी पहुंच गए हैं, निर्मला सीतारमण भी वित्त मंत्रालय पहुंच गई हैं और आज इंतजार खत्म होने जा रहा है केंद्रीय अंतरिम बजट का। इंतजार जो लंबे समय से लोग कर रहे थे, उम्मीदें लगाए हुए बैठे हैं इस बजट से कि क्या कुछ इस पिटारे में आज होगा। हालांकि देखिए निर्मला सीतारमण पहले भी कह चुकी है कि कुछ खास इस बजट में बड़ी घोषणाएं तो नहीं की जाएंगी, लेकिन फिर भी क्योंकि लोकसभा चुनाव है और चुनाव से पहले अंतरिम बजट कई उम्मीदें लेकर आता है और कई लोगों की उम्मीदों को पूरा भी करता है। इस बार के बजट में 2024 के अंतरिम बजट में क्या खास होगा, किसानों को क्या मिलेगा, व्यापारियों को क्या मिलेगा और इसके साथ ही महिलाओं के लिए इस बजट में क्या खास होगा, क्योंकि नई वंदे भारत ट्रेन के ऐलान पर भी चर्चा तेज है कि 400 नई वंदे भारत ट्रेन का ऐलान किया जा सकता है, रेलवे को अधिक आवंटन दिया जा सकता है और इसके साथ ही किसान वर्ग भी उम्मीद लगाए बैठे। चलिए क्या कुछ उम्मीदें इस बजट से, विशेष तैयारी के साथ आपको बताएंगी मेरी सहयोगी जया। बहुत शुक्रिया ऋतु। तो देखिए अंतरिम बजट ये होगा क्योंकि अप्रैल या मई में आम चुनाव देश में होना है, इसीलिए ये पूर्ण बजट नहीं बल्कि अंतरिम बजट है। और क्या ये चुनावी बजट होगा ये हमें 11 बजे पता चलेगा, लेकिन इसके पहले आपको बता दें कि इस वक्त देशवासी और हर एक वर्ग सरकार के इस बजट से क्या उम्मीद करके बैठा हुआ है वो जरा ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कुछ विशेष तैयारियां। और देखिए बजट से उम्मीदें क्या है, देश को पर्यटन हब बनाने पर फोकस सरकार कर सकती है। आज जो बजट आएगा उसमें पर्यटन हब को लेकर कुछ विशेष ऐलान किए जा सकते हैं, हो सकता है कोई विशेष पैकेज की घोषणा इसे लेकर सरकार कर सके, ये फोकस रहेगा। इसके अलावा बजट से क्या उम्मीदें हैं, चुनावी बजट इसे कहा जा रहा है, तो क्या
चुनाव को लेकर कोई बड़ा ऐलान, धार्मिक पर्यटन पर जोर रहेगा। आपने देखा पिछले दिनों जो अयोध्या में राम मंदिर निर्माण हुआ और उसके बाद मध्य प्रदेश में भी हम देख रहे हैं कि कुछ धार्मिक पर्यटन स्थलों को विकसित किया जा रहा है, तो ऐसे में उन स्थलों पर जोर रह सकता है। किसानों को एक बड़ा तोहफा सरकार दे सकती है, हो सकता है कि किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ा दी जाए, 6,000 से बढ़ाकर इसे 9,000 किया जा सकता है, तो सबसे ज्यादा फोकस में किसान आज रह सकते हैं। जैसा कि बताया कि किसान सम्मान निधि की योजना की जो राशि है उसे बढ़ाया जा सकता है। हालांकि अंतरिम बजट है 2019 में जो बजट अंतरिम बजट आया था उसमें कोई बड़ी या नई घोषणा नहीं की थी, तो इस बार क्या ऐसा हो सकता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इस पर सरकार फोकस कर सकती है, इससे लेकर कुछ नए और बड़े ऐलान किए जा सकते हैं आज अंतरिम बजट में। इसके अलावा घरेलू नवाचार पर सरकार का फोकस रहेगा, कुछ नए प्रयोग आपको बजट में आज देखने को मिल सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इसे लेकर कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं, घरेलू नवाचार पर फोकस किया जा सकता है। इसके अलावा आपको बता दें किसानों के साथ क्या होगा, 400 नई वंदे भारत ट्रेन का भी ऐलान संभव है, लेकिन आपको ये बता दें किसान फोकस में होगा और किसानों को लेकर क्या ऐलान, बड़ी सौगात हो सकता है दे किसानों को सरकार आज इस अंतरिम बजट में। पूर्व में ही बताया कि किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ाई जा सकती है, तो पीएम सम्मान निधि में बढ़ोतरी हो सकती है, ये हम आपको बता रहे हैं। सम्मान राशि को बढ़ाया जा सकता है, 50% राशि की बढ़ोतरी हो सकती है, 6 से 9 इसे किया जा सकता है। अभी 6,000 रुपए किसानों को मिलते हैं, उसके बाद इसे 9,000 रुपए सालाना सरकार कर सकती है, तो किसानों के लिए बड़ा ऐलान, बड़ी सौगात आज इस अंतरिम बजट में हो सकती है। ऋतु बिल्कुल, और इसी पर जया हम और ज्यादा चर्चा भी करेंगे कि लोगों में क्या कुछ उम्मीदें हैं। तो देखिए आज ये बजट पेश होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले सभी उम्मीद लगाए बैठे हैं, रुक करेंगे, हमारे साथ कुछ सहयोगी भी जुड़ेंगे और उनसे भी जानेंगे कि क्या कुछ उम्मीदें हैं लोगों को। मेरे साथ ग्वालियर से उमेश जुड़ गए हैं, भोपाल से जुड़ गए हैं रंजना और इंदौर से पीयूष जुड़ गए हैं। सबसे पहले राजधानी भोपाल का रुख करते हैं। रंजना, महिला वर्ग क्या कुछ उम्मीद लगाकर बैठी है और बस कुछ ही घंटों का इंतजार बचा है, कुछ ही देर का इंतजार बचा है जब केंद्रीय अंतरिम बजट पेश होगा। जी ऋतु बिल्कुल, आज जो बजट मोदी सरकार का आने वाला है उसमें हर वर्ग को बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं और वो यही चाहते हैं कि उनकी उम्मीदों पर ये जो बजट है पूरी तरह से खरा उतरे, जिसमें खास करके महिलाएं टैक्स स्लैब से लेकर जो छोटी छोटी बिजनेस जो घर से करना चाहती हैं उसमें उनको या तो लोन मिल सके, आसानी से मिल सके और घर बैठकर ही वो कामकाज कर सके, तो स्टार्टअप्स और जो छोटी छोटी कामकाज शुरू करने को लेकर जो नई योजनाएं हैं वो इस बजट में सरकार लेकर आए, खास करके युवाओं को स्टार्टअप्स के लिए जो पैसे हैं वो मिले। और इस वक्त हमारे साथ आप देखेंगे कि जो कुछ लोग हैं उनसे ही बात करेंगे कि आखिर वो क्या चाहते हैं, आपको इस बजट से क्या उम्मीद है, क्या चाहते हैं, टैक्स स्लैब में आपको छूट मिले, छूट बढ़ जाएगी, कितना बढ़ा, करीब 5 से 7 के आसपास जाना चाहिए जी। और पावर सेक्टर में बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, इसी की वो आगे बढ़ाएंगे वो, और जीरो एमिनेशन की तरफ ले जाएंगे कार्बन, या युवाओं के लिए अगर आप चाहते हैं कि क्या कुछ होना चाहिए ताकि रोजगार के साधन यहाँ, मुद्रा लोन जो है उसकी लिमिट बढ़ा सकते हैं। एजुकेशन सेक्टर्स में आपके बच्चे भी पढ़ाई कर रहे होंगे, बाहर जाते हैं, उस सेक्टर्स में आप क्या चाहते हैं, कितनी रिलीफ आपको मिलनी चाहिए? रिलीफ तो उसमें सब्सिडी मिलना चाहिए, रिलीफ तो ठीक है, सब्सिडी कैसे? सब्सिडी मतलब जैसे जाते हैं बच्चे तो उनको फ्री, मतलब बिना पैसे के मतलब भेजना चाहिए। महिलाओं के लिए आप क्या चाहते हैं, आप पेंशन को लेकर क्या आप चाहते हैं, ओल्ड एज के लोगों से? मैडम मेरा कोई वास्ता नहीं है इसलिए मैं नहीं बोल पाऊंगा। एग्रीकल्चर में तो यूं भी बड़ा रखा है ऑलरेडी बहुत, आपकी क्या उम्मीद है? उम्मीद इनकम टैक्स में ही है सबसे बड़ी, इनको लग रहा है कि रिलीफ मिलेगी, बिल्कुल लोग यही चाहते हैं कि इनकम टैक्स स्लैब में थोड़ी सी राहत जरूर मिले और एजुकेशन सेक्टर पर खासकर फोकस रहे, क्योंकि युवाओं के लिए जो एजुकेशन में जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है उस पर जोर दिया जाए और बहुत ज्यादा जो इंस्टीट्यूट हैं उनको बढ़ाने पर सरकार ध्यान दे, क्योंकि जो युवा हैं वो बाहर जाते हैं, कुछ वैसी ही फैसिलिटीज अब देश भर में विकसित करी जाए ताकि जो युवा हैं वो बाहर ना पढ़कर यहीं पढ़े, तो हर एक वर्ग पर इस बजट में फोकस होगा, खास करके महिलाओं पर होगा, युवाओं पर होगा और किसानों पर होगा, लेकिन इन वर्ग पर जब फोकस होगा तो किस तरह से, देखिए हर वर्ग पर फोकस भी रहेगा और हर वर्ग उम्मीद भी लगाए बैठा है। इंदौर का मैं रुख करूंगी, पीयूष हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष, कह सकते हैं कि चुनाव है और उससे पहले ये बजट वोटर्स को आकर्षित करने का टूल साबित हो सकता है?
देखिए अगर बात करें, जाहिर सी बात है इस साल लोकसभा इलेक्शन भी होना है और इस वक्त हम इंदौर में मौजूद हैं जिसे मध्य प्रदेश की इकोनॉमी का ग्रोथ इंजन भी कहा जाता है और यहाँ पर सबसे ज्यादा जो उम्मीदें होती हैं वो व्यापारिक वर्ग को होती है, उद्योग जगत को होती है, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर्स होते हैं उन्हें होती है। और आप देखें कि इस वक्त मॉर्निंग सुबह सुबह का मौका है, जो मॉर्निंग वॉकर्स हैं वे भी कहीं ना कहीं इसी पर मंथन कर रहे हैं कि आज के बजट में होने क्या जा रहा है। सर क्या कुछ उम्मीदें हैं और इंदौर को काफी उम्मीदें रहती है इंडस्ट्रीज के सेक्टर्स में, उद्योग के सेक्टर्स में और उसके साथ में जो है वो व्यापार व्यवसाय के क्षेत्र में। हिंदुस्तान के ऊर्जावान प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज हमारी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी द्वारा अंतरिम बजट पेश किया जा रहा है। आज भारत विश्व गुरु बनने की दौड़ में है। मैंने अपने पूर्व साक्षात्कार में भी कहा था कोरोना के बाद कि पूरे विश्व में मंदी आएगी, भारत में नहीं आएगी। आज ये बजट सिर्फ अंतरिम बजट नहीं है, सिर्फ चुनावी बजट नहीं है, बल्कि ये बजट ऐसा बनेगा कि पूरा विश्व इस बजट की तरफ देखेगा। इनसे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, वरिष्ठ नागरिकों को फायदा मिलेगा, इसमें सैलरी कर्मचारी जो हैं उनको भी फायदा दिया जाएगा और जो जो भी व्यक्ति इस बजट का लाभ होगा वो सारा विश्व इसको देखेगा और ये अंतरिम बजट अपने आप में अनोखा बजट होगा। चलिए अनोखा बजट होगा। देखिए सबसे बड़ी सीनियर सिटीजन बहुत सारी डिमांड्स करते हैं, एक तरफ रेलवे को लेकर भी खासी यहाँ पर उम्मीदें हैं। सर आप क्या मानते हैं, क्या कुछ सौगातें मिलने जा रही हैं? सर आज की तारीख में हम तो ऐसा मानते हैं कि इस मोदी जी सर की व्यक्ति अभी तक ना कोई मिला है ना मिलेगा आगे। आज हम चाहते हैं इनको, इनकी उम्र 10 साल और बढ़ा दे, हमारे इसमें तो सोने की चिड़िया बना देंगे। हम यही मोदी जी से रिक्वेस्ट करेंगे, जो कोरोना काल में पहले जो सीनियर सिटीजन रेलवे का जो बंद कर दिया था वो अभी तक चालू नहीं किया है, थोड़ा सा अगर हमें सीनियर सिटीजन को थोड़ा सा राहत मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा और उनके भी हम बहुत अच्छे अच्छे सुझाव हम दे रहे हैं। मोदी जी भारत के लिए क्या नहीं किया, बहुत कुछ किया उन्होंने और आगे भी करते रहेंगे, हम ही ये उनके पीछे है। एक कुछ और रिएक्शन लेते हैं। सर क्या कुछ मान रहे हैं इस बार बजट में कितना खास होने जा रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है चुनावी बजट भी हो सकता है? नहीं सर ऐसा नहीं है, चुनावी बजट नहीं है तो आम जनता का बजट निकलेगा और मोदी जी के नेतृत्व में अच्छा बढ़िया बजट निकलेगा, जनता को फायदा। पीयूष आप बातचीत कर रहे हो, ये देखिए वित्त मंत्रालय की तस्वीरें आप देखिए, इन तस्वीरों में आपको वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण नजर आ रही होंगी, वित्त मंत्रालय पहुंच गए, इसके साथ ही वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी भी मौजूद है और ये देखिए ये पिटारा खुलेगा और जो उम्मीदें हैं उस उम्मीदों पर कितना ये बजट खरा उतरेगा, बस कुछ ही देर का इंतजार बचा है, 2 घंटे से भी कम का वक्त बचा है जब ये बजट पेश किया जाएगा। ये सीधी लाइव तस्वीरें आप वित्त मंत्रालय की देख रहे हैं। बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और इसके साथ ही वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी भी मौजूद हैं। तो वित्त मंत्रालय के बाहर की आप ये तस्वीरें देख रहे हैं और कुछ ही देर बाद बजट भी पेश होगा, मोदी सरकार का आखिरी बजट और चुनाव के पहले अंतरिम बजट आज पेश होने जा रहा है और उसके पहले की ये सीधी लाइव तस्वीरें आप देखिए तो कई बड़ी सौगातें लेकर ये बजट आ सकता है। हालांकि अंतरिम बजट में कोई बड़ी घोषणाएं नहीं की जाती हैं लेकिन फिर भी कई वर्गों को उम्मीदें हैं, नौकरी पेशा वालों के लिए भी इनकम टैक्स में छूट दी जा सकती है और ये देखिए तस्वीरें सीधी लाइव आप देख रहे हैं वित्त मंत्रालय से और यही पिटारा खुलेगा जो सौगातें लेकर आएगा, जो उम्मीदें हैं उन उम्मीदों पर लेकिन कितना खरा उतरेगा ये बजट वो 11 बजे के बाद स्पष्ट होगा। तो निर्मला सीतारमण खोलेंगी पिटारा कुछ ही देर बाद और उसके पहले की ये सीधी लाइव तस्वीरें आपको हम दिल्ली से दिखा रहे हैं। हालांकि देखिए मौसम भी अब दिल्ली में बदला हुआ है, हल्की बारिश भी हो रही है और वित्त मंत्रालय से ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो लगातार लोगों के रिएक्शंस भी हम ले रहे हैं कि बस कुछ ही समय का इंतजार बचा और इस समय में क्या कुछ उम्मीदें, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो चाहे वो किसान वर्ग हो और महिलाएं भी क्या कुछ उम्मीदें लगाकर बैठी हैं। बड़ा तोहफा मिल सकता है आज किसानों को, किसान सम्मान निधि में इजाफा किया जा सकता है आज और इसके साथ ही वंदे भारत ट्रेन का ऐलान भी संभव है। तो तस्वीरें आप देखिए वित्त मंत्रालय की, रेलवे को भी आज 25% अधिक आवंटन किया जा सकता है और वोटर्स को साधने में आकर्षित करने के लिए कितना बड़ा टूल ये मिनी बजट साबित होगा ये भी हम जानेंगे, ये भी देखना होगा। और इसके साथ ही आपको ये भी बताते हैं कि रियल एस्टेट के साथ साथ देखिए ऐसे कई वर्ग हैं जो उम्मीद लगाकर बैठे हैं, रियल एस्टेट भी एक सेक्टर है जिसमें बजट में खास प्रावधान भी देखने को मिलते हैं। क्या कुछ उम्मीदें हैं इस वर्ग को जानेंगे, सीधे ले चलेंगे मेरे सहयोगी जया के पास।
और चलिए अब आपको बता देते हैं कि अब से थोड़ी देर बाद पेश होने वाले इस अंतरिम बजट में रियल एस्टेट को क्या सौगातें मिल सकती है। हालांकि बार बार कह रहे हैं कोई बड़ा ऐलान नहीं होगा, लेकिन रियल एस्टेट क्या उम्मीदें कर रहा है वो भी जरा आपको हम बता देते हैं कि अंतरिम बजट में रियल एस्टेट को क्या सौगात मिल सकती है। सेक्टर को उद्योग दर्जा मिलने की उम्मीद है, ये उम्मीद की जा रही है रियल एस्टेट की ओर से कि उद्योग दर्जा उन्हें दिया जा सकता है। और लंबे समय से दरअसल इसे लेकर मांग की जा रही है, ये मांग लंबे समय से उठ रही है। और ऐसे में आपको बता दें कि ये उम्मीद की जा रही है कि रियल एस्टेट में उद्योग का दर्जा मिले, इनकम टैक्स में होम लोन पर ब्याज दरों में छूट की सीमा बढ़ाई जा सकती है, ये सबसे बड़ी सौगात होगी अगर ऐसा होता है तो। एक बार फिर से आपको बता दें कि इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव किया जा सकता है। इसके साथ ही प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रोत्साहन में भी राहत की उम्मीद की जा रही है। तो इन उम्मीदों पर क्या होगा, बजट में कोई प्रावधान होता है या नहीं होता, यह देखने वाली बात है, थोड़ी देर में पता चलेगा, लेकिन उम्मीद अभी भी ये लगाई जा सकती है। इसके साथ ही आपको बता दें कि स्वामी फंड में बढ़ावे की उम्मीद भी हो रही है, रियल एस्टेट सेक्टर में ये उम्मीद भी की जा रही है। हालांकि एक बार फिर से स्पष्ट कर दें कि इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव हो सकता है, ब्याज दर की छूट को बढ़ाना जरूरी है। हालांकि कितना उम्मीदों भरा यह बजट होगा ये देखना होगा। ऋतु ये तो बहुत है, लेकिन कितनी उम्मीदों पर खरा उतरेगा ये बजट जो है देखना होगा। और देखिए लोगों को भी काफी उम्मीद है, ग्वालियर की जनता क्या कुछ उम्मीद लगाए बैठी है, बड़ी संख्या में वहां पर किसान भी रहते हैं। सीधे ग्वालियर का रुख करते हैं, उमेश हमारे साथ जुड़े हुए। उमेश, किसान वर्ग खास उम्मीद लगाए बैठा है इस बजट से कि किसान सम्मान निधि में बढ़ोतरी की जा सकती है, राशि को बढ़ाया जा सकता है। अगर वहां पर लोग भी मौजूद हो तो उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करिएगा कि क्या कुछ उम्मीदें हैं उन्हें बजट से। हाँ देखिए, बिल्कुल, जो मोदी सरकार का अंतरिम बजट है वो अभी कुछ ही देर में पेश होने वाला है, और इस बजट से किसान हो, आम हो या सरकारी कर्मचारी हो या किसी भी तरह का जो बजट से जुड़ा जो लोग हैं उनको काफ़ी उम्मीद इस बजट से है, और खासकर जो व्यापारी सेक्टर है उसको इस बजट से काफ़ी उम्मीदें इस बार लग रही हैं। पहले सीधे सीधे कुछ व्यापारी उनसे ही सीधे सीधे बात करने की कोशिश करते हैं, भैया क्या लग रहा है बजट आने वाला है, कितनी उम्मीद है? मतलब बजट को लेके एक तो ये युवा थोड़ा सा जो नौकरी वगैरह नहीं है उनके लिए काफ़ी सालों से वो परेशान है, थोड़ा सा नौकरियों के विशेष ध्यान दें, और जो जो इस प्रकार से महंगाई हो रही है थोड़ी सी महंगाई पे कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि एक आम आदमी काफ़ी परेशान है किचन को लेके या किसी भी चीज़ को लेके। सब्जियाँ देख लो, इस समय टमाटर भी 40 रुपये किलो हो चुका है। मतलब क्या लग रहा है, क्या उम्मीद इस बार लग रही है बजट? इस बार उम्मीद ये लग रही है कि थोड़ा सा पूरा चेंज हुआ है तो थोड़ा सा बजट पब्लिक के हित में आना चाहिए। पब्लिक के हित में आएगा, कुछ और भी लोग हैं उनसे हम बात करते हैं। सर, बजट आने वाला है कुछ देर में, क्या लग रहा है, कितनी उम्मीद है? उम्मीद तो अच्छी लग रही है इस बार, लगता है अच्छा करेंगे, क्योंकि नए चीफ मिनिस्टर आए हैं तो जरूर कुछ ना कुछ अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ और भी लोग हैं, कुछ युवा हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। भैया बजट आने वाला है, उमेश आप बातचीत करते रहेगा और लोगों से भी जानने की कोशिश करते रहेगा कि क्या कुछ उम्मीदें वो इस बजट से लगाए बैठे हुए हैं। चलिए, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे।